जो गाने का जो रिजवान अंसारी नहीं, पहले इस चीज को जान लीजिएगा, वो अंसारी नहीं है। आप कैसे बोल देते हैं अंसारी? नहीं लिखाते हैं। नहीं लिखाने से क्या होगा, अंसारी का बेटा मैं हूँ, वो अंसारी नहीं था। अंसारी का नाम लेकर के याद रखिएगा कि उन्होंने राजनीति शुरू किया है। और बताइए आपके चैनल के माध्यम से आपको भी इस चीज को मतलब अंधकार में रखा गया था कि उन्होंने अपने टाइटल को छुपा करके रखा गया था। पहले अपने टाइटल को बताए, कुछ टाइटल से बिलोंग करते हैं। मुसलमान का एक चेहरा बना तो वो पैसा में बिक गया है, पैसा में बिक गया है। तो समस्त गांडे वासी को हम लोग इसका बहुत जल्दी एक प्लानिंग करेंगे कि कोई भी अगर निर्दलीय प्रत्याशी गांडे से होगा तो हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय को, अपने मुस्लिम भाई को, उन लोगों से निवेदन करेंगे कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है आप उसका समर्थन कर दीजिए। और उस निर्दलीय को बोलेंगे कि आप डायरेक्टली पैगर जयराम महतो का समर्थन कर दीजिए। मेरे पास यही ऑप्शन है। काश अगर वो तीन दिन पहले पार्टी को छोड़ देते तो मोहम्मद इखलाक अंसारी एक कट्टर दावेदार होता गांडे विधानसभा। मुझ में नाराजगी रहती या कुछ रहती तो मोहम्मद इखलाक अंसारी उषा महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता। और एक चीज जान जाइएगा, हमारे पार्टी में अगर कोई रूसते हैं, नाराज भी होते हैं तो पल भर के लिए होता है, क्योंकि हम लोग का विजन जो है, हम लोग का विजन है झारखंड का तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए। आया था कि आप के जब लोकसभा जब आप जिस टाइम आप खड़े हुए थे उस टाइम जो अभी जो समिति जो विधायक है अभी खड़े हुए हैं उषा देव जी, आपके प्रचार में नहीं आए थे, तो लोगों के माध्यम से सुनने के लिए मिला था कि आप भी उसके प्रचार में नहीं जाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि आप गांव टू गांव डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए फिर क्या करना है? देखिए आजकल जो खबर चलता है ना, वो जब तक आप चटपटा कुछ खबर नहीं चलाइएगा तब तक लोग देखते ही नहीं है। ये भी तो लोग कहते थे कि इन लोग का बी टीम है, लेकिन बता दीजिए बीजेपी का बी टीम है। लेकिन बता दीजिए टाइगर जयराम महतो का प्रत्याशी जहां जहां से खड़ा हुआ, अगर वोट हम लोग किसी का काटे हैं और वोट अगर किसी का टक्कर दिए तो हम लोग बीजेपी को सर्वप्रथम पहले टक्कर दिए हैं। आप बताइए 80,000 जो मेरा मत आया था धनबाद लोकसभा से, जो धनबाद लोकसभा का इतिहास में आज तो कोई भी अल्पसंख्यक का बेटा ने 80,000 मत नहीं लाया था, लेकिन मोहम्मद इखलाक अंसारी ने 80,000 मत लाया। तो आप हमको बता दीजिए कि जो वोट था किसका वोट था? महतो वोट पहले हम लोग जो नॉर्मली जानते हैं कि महतो वोट जो होता है वो बीजेपी का वोट है। उसके बाद अगर टाइगर जयराम महतो आपका गिरिडीह से लड़े तब वहां से पता लगा लीजिए 3.5 लाख वोट लाया है, जो पूरा भारत के इतिहास में निर्दलीय प्रत्याशी आज तक किसी ने नहीं लाया था। तो लोग क्या कहते हैं और नहीं कहते हैं, पहला बात तो अभी भी जान लीजिए कि सिंदरी विधानसभा में मैंने समय ही उतना नहीं दिया था। आप देखते होंगे कि मैं बोकारो और चंदन क्यारी में ज्यादा फोकस किया था, एक दिन मैंने सिंदरी पे किया था। लेकिन पार्टी में थोड़ा सा रूसा रूसी होता है, लेकिन हम लोग का पार्टी एक परिवार है और जहाँ पर एक साथ बर्तन होता है वहाँ पर ठन ठन का आवाज होता है। लेकिन आज बताइए अगर मुझ में नाराजगी रहती या कुछ रहती तो मोहम्मद इखलाक अंसारी उषा महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर के नहीं चलता। और एक चीज जान जाइएगा, हमारे पार्टी में अगर कोई रूसते हैं, नाराज भी होते हैं तो पल भर के लिए होता है, क्योंकि हम लोग का विजन जो है, हम लोग का विजन है झारखंड का तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए। नहीं तो लोग ये भी कहते हैं जैसे कि ये जलकम पार्टी उर्फ जैविक पार्टी महतो का पार्टी है, कुर्मी की पार्टी है, महतो जो है कुर्मी तो उसका तो वोट मिलेगा ही, लेकिन जो अदर जो समुदाय के लोग हैं उनका फिर वोट फिर कैसे मिलेगा? आप एक बात बताइए, अगर ये कुर्मी का सिर्फ पार्टी रहता तो आप लोकसभा में से मोहम्मद इखलाक अंसारी क्या था? मोहम्मद इखलाक अंसारी कुर्मी नहीं था, मोहम्मद इखलाक अंसारी अल्पसंख्यक समुदाय का ही एक बेटा था। लेकिन इसके बावजूद भी 8 सीट में से 1 सीट हमको दिया गया, और जो 14 सीट जो होता है चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किन्हीं ने भी अल्पसंख्यक को नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि मुसलमान समाज जो है, इन लोगों मतलब एक मानसिकता बैठ गया है पार्टी सब में कि मुसलमान समाज का अगर जन्म हुआ है भारत का राजनीति में तो सिर्फ झंडा ढोने के लिए हुआ है, दरी बिछाने के लिए हुआ है। लेकिन इस बार पूरा मुसलमान अल्पसंख्यक समाज जाग चुका है, क्योंकि इन्होंने लोकसभा में जो मुझे वोट नहीं दिया, इसका गिलानी इसका दुख हमारे समुदाय के और समस्त लोगों को है। और इस बार आप देख लीजिएगा 2024 में 23 तारीख को रिजल्ट मिलेगा, और मैं आपका दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अल्पसंख्यक देखे इधर बढ़ चढ़ करके टाइगर जयराम महतो का प्रत्याशी जहां जहां पर भी दिया गया है हर जगह पर अच्छा से बहुमत करेंगे, और इस बार हम लोग टाइगर जयराम महतो को सरकार बनाने का कार्य करेंगे। जेकेएलएम के पार्टी से जो झारखंड वासी तो जाग चुके हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक जो केंद्रीय अध्यक्ष है रिजवान अंसारी वो तो फिर पार्टी से भाग चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले आप अपने जो रिजवान अंसारी, नहीं पहले इस चीज को जान लीजिएगा, वो अंसारी नहीं है। आप कैसे बोल देते हैं अंसारी? नहीं लिखाते हैं। नहीं लिखाने से क्या होगा, अंसारी का बेटा मैं हूँ, जैसे आप भाई हैं, जैसे आप भी लिखाते हैं, भाई है, सनवाज भाई है, गुड्डू भाई है, नहीं बोल देने से कुछ नहीं होता है। अगर हम अपना नाम को लिख दें कि मेरा नाम है इखलाक करपोट्टा, तो क्या मैं इखलाक करपोट्टा क्रिश्चियन हो गया? ऐसा चीज नहीं होता है। उन्होंने समस्त अंसारी का, क्योंकि आपको एक चीज मालूम होना चाहिए और जेएमएम सरकार को भी एक चीज मालूम होना चाहिए कि आज अगर जेएमएम सरकार का या कांग्रेस का या किसी भी दल का अगर उसका पार्टी स्तंभ मजबूत है तो आज समस्त झारखंड में एक चीज याद रखिएगा, अपना जाति के लोगों को नेता बनाता है और
अंसारी को जानते थे कि पूरा झारखंड में अगर देखा जाए तो 16% अंसारी है, भारत लेवल पर देखा जाए तो 20% अंसारी है। तो भैया हम अपने अंसारी समाज का समर्थन करेंगे। जिस प्रकार हर दल के लोग अपना जात को लेकर के चलते हैं, अपना जात के लोगों को नेता बनाते हैं, इसी प्रकार इस बार पूरा झारखंड में हम बहुत जल्दी बैठक करने वाले हैं अंसारी समाज का, ताकि सब अंसारी लोग आए और अंसारी का ही बेटा राजनीति करेगा पूरा झारखंड में। इस बात को याद रखिएगा, वो अंसारी नहीं था, अंसारी का नाम लेकर के याद रखिएगा कि उन्होंने राजनीति शुरू किया है। और बताइए आपके चैनल के माध्यम से आपको भी इस चीज को मतलब अंधकार में रखा गया था कि उन्होंने अपने टाइटल को छुपा करके रखा गया था। पहले अपने टाइटल को बताए, कुछ टाइटल से बिलोंग करते हैं। नहीं तो एक लाइव पे जुड़े हैं पंकज कुमार, सवाल उनका सवाल है कि रिजवान कैसे बिक गए। अब एक बात बताइए ना जी, एक बात बताइए कैसे बिक गए, क्या उनका मानसिकता सभी को नहीं मालूम था? सबको मालूम था। अब जिसको पैसा का लालच होगा, मोहम्मद अखलाक अंसारी 80,000 मत लाया लोकसभा में, आपको क्या लगता है कि अखलाक अंसारी का सौदा नहीं होता है? हर कदम पे मोहम्मद अखलाक अंसारी का सौदा होता है। लेकिन जो टाइगर का सच्चा सिपाही होगा, जो झारखंड के छोटा छोटा बच्चा का भविष्य को देखा होगा, वो कतई नहीं बिकेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको भी विधानसभा में टिकट नहीं दिए, तो आपको भी कोई ऑफर तो आया होगा? मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, टाइगर जयराम तो हमको खुद बोले थे कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ना, मैंने नहीं लड़ा। मैं साफ कहा था कि मैं 5 साल अपने समुदाय का समझ झारखंड में मतलब लोगों को जगाने का कार्य करूंगा, और इंशाल्लाह फिर 2029 में चुनाव होगा, उस समय आप देख लीजिएगा। टाइगर जयराम महतो मेरे प्रति की आशा। जय झारखंड, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जेल कैंप पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांडे में जो रिजवान ने किए, कहीं ना कहीं वो सीट तो कहीं कहीं खराब कर चुका था, फिर जो वहाँ के जो वासी है उनके लिए फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गांडे वासी को हम यही चीज कहेंगे, देखिए आज यही स्थिति है कि हम लोग मुसलमानों को लोग शोषण करते हैं। यही कारण है कि अगर मुसलमान का एक चेहरा बना तो वो पैसा में बिक गया है, पैसा में बिक गया है। तो समस्त गांडे वासी को हम लोग इसका बहुत जल्दी एक प्लानिंग करेंगे कि कोई भी अगर निर्दलीय प्रत्याशी गांडे से होगा तो हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय को, अपने मुस्लिम भाई को, उन लोगों से निवेदन करेंगे कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है आप उसका समर्थन कर दीजिए, और उस निर्दलीय को बोलेंगे कि आप डायरेक्टली टाइगर जयराम महतो का समर्थन कर दीजिए। मेरे पास यही ऑप्शन है। काश अगर वो 3 दिन पहले पार्टी को छोड़ देते तो मोहम्मद अखलाक अंसारी एक कट्टर दावेदार होता गांडे विधानसभा से। तो अभी तक आप गांव टू गांव घूम रहे थे, लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं नहीं, लोगों का देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे समुदाय को मोहम्मद अखलाक अंसारी एक टीचर, इस बात को समझिएगा। और आज तक बता दीजिए, चाहे गोविंदपुर ब्लॉक हो, थाना में हो, हम अपने समुदाय के लोगों से कहते हैं कि अगर आप थाना जाइए और थाना में अगर आपके साथ अगर वो खराब व्यवहार करता है तो आप उसे कड़े जवाब में दीजिएगा कि मोहम्मद अखलाक अंसारी भेजा है, और अगर इसके बावजूद भी नहीं बोले तो 10 मिनट का समय दीजिएगा, अखलाक अंसारी थाना पहुंचेगा और उससे कैसे बात करेंगे आप देख लीजिएगा। खुला शब्द रहता है मेरा। वीडियो सीओ अगर आपको अभद्र बात करता है आप एक बार दीजिए। आज से 1 महीना पहले एक आदमी का मोटेशन का वहां पर नहीं हो रहा था, वो फोन पे हमको लाइन में रखा और उसके साथ वो अभद्र टाइप का बात करने लगा। मैंने सीआई के पास गया, इसका गवाह है आप चल जाइएगा सीआई को। मैंने साफ शब्द में कहा था इसको तत्काल से इसको रिजेक्ट कीजिए, नहीं तो महोदय याद रखिएगा रिजेक्ट मोहम्मद अखलाक अंसारी आपको कर देगा। जी जी दादा, दादा लास्ट सवाल एक सवाल है कि सिंदरी विधानसभा देखा जाए तो शुरू से ही बीजेपी हो चाहे जेएमएम का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार नया जो संगठन उदय हुआ जेल कैंप, फिर कैसे सामना करेगा? क्योंकि उसके विपक्ष में धन बल में बाहुबल में अभी पूर्ण तो सामना क्योंकि ये जेल कैंप गरीब का पार्टी है, तो सामना कैसे करेगा? क्वेश्चन को आपका समझ गया हम। पहले बात इस चीज को जान लीजिएगा कि 2019 का भी आप देखिएगा, कोई भी विधायक प्रतिनिधि होता है अगर आप हार गए या जीत गए, हारने वाला भी नेता होता है। मोहम्मद अखलाक अंसारी लोकसभा चुनाव हारा, इसके बावजूद भी कम से कम अल्पसंख्यक का एक नेता जरूर है, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है कि इससे पहले पूरा मुसलमान समाज हम लोग आनंद महतो को वोट दिए थे, क्या आनंद महतो जी का ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि 5 साल कम से कम जनता के बीच में जाते? आज तक उन्होंने जनता को तो छोड़ दीजिए, एक बार दर्शन तक नहीं दिए हैं, और आज जब उनका चुनाव का मुद्दा आया तो अल्पसंख्यक समुदाय में जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय भी इस चीज को जानते हैं कि मोहम्मद अखलाक अंसारी मेरे साथ हर दुख और सुख में खड़ा है। इस बार कम से कम टाइगर जयराम महतो को और अखलाक अंसारी को देख करके इस बार उषा महतो को वोट करेगा, आप इस चीज को देख लीजिएगा। तो अपने सिंदरी वासी को फिर क्या? सिंदरी वासी को हम यही संदेश देंगे कि इस बार जाति पात को छोड़ करके इस बार कम से कम माटी का मतदान कीजिए, क्योंकि हम लोग का लड़ाई जो है वो नीति नियम का है, नीति नियम का है, और नीति नियम में मुसलमान भी वंचित नहीं है। मुसलमान को भी नीति नियम में जब कोई चीज हम लोग लागू करेंगे तो उनका भी हिस्सेदारी और उनको भी उस चीज को मिलेगा। इस बार समस्त झारखंड वासी और सिंदरी वासी को हम कहते हैं कि इस बार पार्टी की राजनीति ना करके माटी को अपना चुनिए, क्योंकि याद रखिएगा कि अगर हम लोग स्थानीय नीति नियोजन प्लान का सब चीज का अगर नीति नियम लगाते हैं तो हमारा मुस्लिम समुदाय भी इसे अछूत नहीं रहेंगे, उनको भी इस चीज का